सेंट गुरु रविदास जी के बारे में, इवन दो हमने क्वेश्चन काफी तफसील से, काफी डीपली अंडरस्टैंड किया था, समझा था, उसे डिस्कस भी किया था, मैंने काफी सारी चीजें इसके ऊपर आपको बताई थी, लेकिन यहां पर जो टॉपिक है इसको लेकर कुछ बेसिक चीजें जो है वो देख लेते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको वो चीजें याद भी हैं जो हमने डिस्कस करी थी। हालांकि स्टेटमेंट्स कुछ अलग है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया था। आपको यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। और अभी जो है गुरु रविदास जयंती जो है उसे सेलिब्रेट किया गया है, माघ पूर्णिमा 27 फरवरी 2021 को द फुल मून डे मनाया जाता है, और यहां पे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और यहां पे जो हमारे सेंट है उनकी जयंती को भी यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। पेरिस अपन कहती है उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी ताकि कास्ट सिस्टम को एबोलिश किया जा सके। हो सकता है हिज डिवोशनल सॉन्ग्स एंड हिज पोएम्स वर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ सिख। तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उनकी कुछ सॉन्ग्स और उनकी कुछ पोएम्स जो है वो भी रखी गई है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए कुछ चीजें यहां पर देख लेते हैं। तो गुरु रविदास जी के बारे में बात करें तो ही वॉज अ सेंट ऑफ 14th century, ठीक है, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। भक्ति मूवमेंट को बिलोंग करते थे, ये चीजें मैंने आपको बताई थी अगर आपको याद हो तो। इट इज बिलीव दैट ही वॉज बोर्न इन वाराणसी इन द कॉबलर्स फैमिली, तो वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। ही गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यू टू हिज बिलीफ इन वन गॉड, तो एक ही गॉड को मानते थे। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि ये चीज मैंने आपसे पूछी भी, सरगुन को मानते थे वो या निर्गुन को मानते थे, ठीक है, सरगुन जिसे सगुन भी कहते हैं, सरगुन को मानते थे या निर्गुन को मानते थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेट्स सी कि आपको याद है कि नहीं है, बट यस, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी ताकि जो कास्ट सिस्टम है उसको एबोलिश किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके, ठीक है। उनके जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, उनकी जो पोएम्स हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है, ठीक है। चलिए,